अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे APS के जो स्कूल हैं उनमें सातवीं क्लास में सेवन्थ में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट जो होता है उसका पैटर्न पेपर मॉडल पेपर कैसा होता है, तो ये आपके सामने है। जो दोस्त नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको टेस्ट की तैयारी, जॉब्स के टेस्ट की तैयारी, एडमिशन के, एंट्री टेस्ट के और MD गेट के हो गए, तो इधर काफ़ी मटेरियल मौजूद है, रिपीटेड MCQs मौजूद हैं। तो आप ज़रूर जो है ये चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें और शेयर करें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये इंग्लिश पोर्शन होगा पहले, सबसे पहले तो इस तरह का ये सवाल आपको दिया जाएगा, राइट डाउन अ पैराग्राफ कंटिन्यूइंग द गिवन लाइन। तो इस तरह की एक लाइन दी जाएगी शुरू में, स्टार्ट में, और उसके मुताबिक फिर आपने उस पर पैराग्राफ लिखा है। वन डे व्हाइल आई वाज प्लेइंग इन द पार्क, तो इससे आपने उसी सिचुएशन के मुताबिक जो आपको पहले दी गई है, अब देख रहे हैं कि ये पार्क में प्लेइंग के मुतालिक है, तो वहाँ पार्क में खेल रहे थे तो क्या क्या हुआ, क्या गेम खेली, दोस्त आपके क्या कर रहे थे, पार्क में क्या मौजूद था। तो इस तरह जो है आपने एक पूरा पैराग्राफ इसका स्केच बनाना है, उसके ट्रीज के बारे में, उसके झूले, सब कुछ, दोस्तों के खाना खाया, ये वो सारी चीज़ें आपने जो है ये लिखनी है। तो इस तरह का ये सवाल आएगा। और दूसरा जो सवाल है तो ये नाउंस की कौन कौन सी ये फॉर्म है, ग्रामर का सवाल है, तो ये इस तरह का सवाल आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फिर ये एडजेक्टिव का सवाल आएगा, ग्रामर के सवाल हैं, वर्ड्स ये जाएंगे, उनके एडजेक्टिव आपने बनाने होंगे। और एडजेक्टिव के बाद जो है ये आप देख रहे हैं, राइट डाउन नेम्स ऑफ द पार्ट्स स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, तो ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं कि आपने पार्ट्स स्पीच लिखनी है कि ये क्या क्या है, बॉयज, रन, आफ्टर बॉल। तो ये आपके ग्रामर का जो पोर्शन होता है इंग्लिश का, उसमें सारा पेपर वहाँ से आ रहा है, तो ये भी बताना है कि कौन से ये पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, यानी कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, जैसा कि आपने ग्रामर में पढ़े होंगे ये चीज़ें। तो नेक्स्ट जो इसका पोर्शन होगा वो मैथ में से सवाल आएंगे सेवन्थ क्लास में, और ये सिक्स स्टैंडर्ड का पेपर होगा आपका, जो सिक्स क्लास का जो कोर्स है उसी में से ये पेपर बनेगा। तो इसकी तैयारी के लिए आपने सिक्स क्लास के इन सब्जेक्ट को तैयार करना है। और ये आप देख रहे हैं कि मैथ के सवाल आएंगे, उसी जगह पे आपने आंसर देना होगा, व्हाट इज़ रेशनल, इरेशनल नंबर, और ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स में लिखनी है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, इनका सम मालूम करना है, राइट द फार्मूलाज, इनके फार्मूले लिखने हैं, तो ड्रा द फॉलोइंग फिगर्स, ये बनाने हैं। और ये मैथ के काफ़ी सारे जो है आपके सामने था। फिर तीसरा पोर्शन जो है ये उर्दू का पोर्शन होगा, और उर्दू के सवाल आएंगे, और इसका उर्दू का पहला सवाल आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ वो से पढ़ें और फिर दिए गए सवाल के जवाब आते हैं, कंप्रीहेंशन जो होती है, ये पैराग्राफ दिया गया है और इसमें से सवाल पूछे जाएंगे, जो आपने पहले को अच्छी तरह से पढ़ना है दो तीन दफ़ा, और फिर आपने स्टार्ट करने हैं सवाल लिखने, ऐसे जल्दी में आपने स्टार्ट नहीं कर देना। फिर ये दूसरा सवाल है कि वह जुमलों को जमा जुमले बनाने हैं। अब ये माँ बच्चे को प्यार करती है, तो माएँ बच्चों को प्यार करती हैं, इस तरह ये जमा बनाने हैं। तो इस तरह ये आपने पूरे जुमले को ही जमा में तब्दील करना है। तो ये आपने देखा कि आपकी सेवन्थ क्लास का जो था ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, इंग्लिश, मैथ, उर्दू। तो आपने इसके मुताबिक जो है तैयारी करनी है, उसी तरह जो है सवाल तैयार करने हैं जो इसमें मॉडल पेपर में दिए गए हैं। इंशाल्लाह आपका ज़रूर टेस्ट क्लियर हो जाएगा, मेहनत करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।